देशहित में आप प्रधानमंत्री मोदी के करोड़ों समर्थकों का उत्साह बढ़ाने वाली खबर बता दें। ब्लूमबर्ग मीडिया समूह का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस समूह ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं के बारे में रिपोर्ट जारी की है और 2029 तक नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने रहने की प्रबल संभावना जताई है। हर हर मोदी घर घर मोदी का ये नारा 2014 के लोकसभा चुनाव में खूब सुना होगा। ये नारा आपको 2029 तक सुनाई दे सकता है। यकीन ना हो रहा हो तो ब्लूमबर्ग मीडिया समूह ने पीएम मोदी को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है वो देख लीजिए। रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया गया है। इसी लोकप्रियता के दम पर ब्लूमबर्ग मीडिया ने 2019 में एनडीए सरकार बनने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर 2019 में एनडीए की सरकार बनी तो ध्यान से सुनिए, 2029 तक यानी लगातार 10 साल तक मोदी के पीएम बने रहने की प्रबल संभावना है। ब्लूमबर्ग मीडिया समूह ने दुनिया के 16 देशों के नेताओं की लोकप्रियता का एक आकलन किया था। इस आकलन में ज्यादा दिनों तक शासन कर सकने वाले नेताओं में पीएम मोदी को छठे स्थान पर रखा गया। तो ब्लूमबर्ग मीडिया समूह ने अपनी रिपोर्ट में वैश्विक क्रम को दो चीजों से आंका, पहला आर्थिक ताकत और दूसरी सैन्य क्षमता, और इन दोनों मापदंडों पर अमेरिका नंबर वन है। दूसरा पैमाना वैश्विक मुद्दों का है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी से लड़ना। ब्लूमबर्ग ने पीएम मोदी को इसी पैमाने पर दुनिया का कद्दावर नेता माना है। मोदी के अलावा रिपोर्ट में और कौन कौन नेताओं को सबसे लोकप्रिय माना गया है, अब ये देखिए आप। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नाम इस लिस्ट में शामिल है। ये सारे के सारे कद्दावर नेता, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम।